आज लगता है जैसे सियासत का सुपर शनिवार है। एक तरफ बाबुल सुप्रियो ने बीजेपी को झटका दे दिया है तो दूसरी ओर कैप्टन अमरिंदर सिंह को झटका लगता हुआ दिख रहा है। दोनों खबरें आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात बाबुल सुप्रियो की। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल के आसनसोल से सांसद बाबुल सुप्रियो ने बीजेपी को झटका दे दिया है। बाबुल सुप्रियो आज टीएमसी में शामिल हो गए। टीएमसी के महासचिव और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन की मौजूदगी में बाबुल ने टीएमसी की सदस्यता ली है। बाबुल सुप्रियो भवानीपुर उपचुनाव में बीजेपी के स्टार कैंपेनर भी थे। इस सीट पर ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं और अब इस सीट पर उपचुनाव होने से ठीक पहले बाबुल सुप्रियो ने टीएमसी का दामन थाम लिया है। बीजेपी को बड़ा झटका पश्चिम बंगाल में। 2014-2019 में बीजेपी के टिकट पर सांसद बने बाबुल सुप्रियो, केंद्रीय मंत्री बीजेपी ने उनको बनवाया, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद जैसे ही उनका मंत्री पद गया वो उन्होंने अपना पद छोड़ दिया और पार्टी से बाहर जाने की बात कही और अब टीएमसी में शामिल हो गए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।